आज मैं आपको किसी भी विंडोज का लेटेस्ट वर्जन को मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा। लेटेस्ट वर्जन का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपका लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड होगा। विंडोज 11 का लेटेस्ट वर्जन हो गया, या विंडोज 10 या विंडोज 8.1 का लेटेस्ट वर्जन हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो, और कुछ ही मिनटों में आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो, जो आपको ये तरीका पहले कोई भी नहीं बताया होगा। और आपको किसी भी तरह का कोई भी अननोन वेबसाइट पर जाने की जरूरत भी नहीं है इस विंडोज को डाउनलोड करने के लिए। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। तो गाइज, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज वगैरह डालता रहता हूँ जो आपको हमेशा काम में आएगा। तो आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको अपने किसी भी एक फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर अपने क्रोम को ओपन किया हूँ। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है रूफ़ूस डाउनलोड, आपको यहाँ पर टाइप करना है और आपको यहाँ पर इंटर प्रेस करना है, और आपको इस पहले ही वाले वेबसाइट में आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रूफ़ूस 4.5 स्टैंडर्ड वर्जन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो रूफ़ूस टूल है वो आपके यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा रूफ़ूस टूल जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड हो जाने के बाद फिर आपको इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे बूट सिलेक्शन में आपको यहाँ पे ISO आपको यहाँ पे सेलेक्ट लेना है, ISO इमेज डिस्क और ISO इमेज सेलेक्ट करना है। और अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट का आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके राइट साइड में आपको यहाँ पे डाउनवर्ड की ओर आपको यहाँ पे एक एरो शो हो रहा होगा। अगर बाय द वे आपको ये एरो शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे कुछ सेकेंड आप यहाँ पे जरा वेट कीजिएगा, या आप अपने रूफ़ूस को कट कर अगेन आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा और कुछ सेकेंड आप यहाँ पे जरा वेट कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे ये एरो का आपको यहाँ पे सिंबल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जो डाउनवर्ड की ओर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर बाय द वे तब भी आपको यहाँ पे ये एरो शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे रूफ़ूस का पोर्टेबल वर्जन आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद फिर आप उसे ओपन कीजिएगा तो आपको वहाँ पे ये एरो का बटन आपको यहाँ पे शो होगा। तो इसी एरो बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मैं आपको जैसे बता दूं कि ये रूफ़ूस जो एप्लीकेशन जो टूल है इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे बूटेबल क्रिएट करते हैं। हम लोग किसी भी पेन ड्राइव में किसी भी विंडोज़ का बूटेबल क्रिएट करते हैं, और जो रूफ़ूस का जो लेटेस्ट वर्जन जो आया हुआ है इस वर्जन की हेल्प से आप यहाँ पे किसी भी विंडोज़ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको डाउनलोड करना है तो आपको इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और आपको कुछ सेकंड जरा आपको यहाँ पे वेट करना है। और आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा, और यहाँ पे वर्जन में आपको यहाँ पे विंडोज़ 11 आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे किसी और विंडोज़ को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8.1 या विंडोज़ 11, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग उसी विंडोज़ को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे कंटिन्यू करना है, फिर आपको कुछ सेकंड जरा वेट करना है, और आपके यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन जो होगा विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे विंडोज़ 11 का 23:2 यहाँ पे वर्जन शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसी ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपके यहाँ पे इसे कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे आपको एडिशन भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, विंडोज़ 11 का होम प्रो एजुकेशन एडिशन जो भी है आपके यहाँ पे शो होगा, और आपके यहाँ पे कंटिन्यू आपको यहाँ पे करना है। और आपके यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, आप जो भी लैंग्वेज है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ, या इंग्लिश इंडिया का भी ऑप्शन शो होता है तो आप उसे भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, और जो भी आपका बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो आर्किटेक्चर का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको उसे सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे डाउनलोड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपका वो ISO फाइल जो है, जो भी विंडोज़ का ISO फाइल होगा, वो आपके यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लोकेशन बोल रहा है कि किस लोकेशन पे आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं ऑलरेडी विंडोज़ 11 का डाउनलोड करके रखा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये ISO फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो मैं अभी फिलहाल तो यहाँ पे डाउनलोड नहीं करूँगा। आप चाहे तो कोई अनदर लोकेशन पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे इस नेम से, जो आपके यहाँ पे नेम है फाइल का नेम है, इस नेम से आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे डाउनलोडिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो गया है। तो अभी फिलहाल तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे 0.1% यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, तो अभी फिलहाल तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल कर दिया मैं इसे, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपने सिस्टम में डाउनलोड वाले फाइल्स में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, डाउनलोड वाले फाइल्स में ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे लेकिन अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, जो जिस भी विंडोज़ का आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये ISO फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं डाउनलोड नहीं किया, उसे कैंसिल कर दिया हूँ।
तो आपको डाउनलोड करना है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इसी तरह से। और डाउनलोड हो जाने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे ISO फाइल जो डाउनलोड हुआ है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे, डाउनलोड हो जाने के बाद फिर आपको बूटेबल कैसे क्रिएट करना है उस विंडोज़ का, और उस विंडोज़ को इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम में या फॉर्मेट कैसे करना है, उसके रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ। तो आप उस वीडियो को क्लिक कर आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से आपको बूटेबल क्रिएट करना है, या आपके पास पेन ड्राइव नहीं भी रहता है तो आप यहाँ पे वर्चुअल पेन ड्राइव यहाँ पे क्रिएट कर आप उसमें बूटेबल क्रिएट कैसे कर सकते हो उस विंडोज़ का, फिर आप इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हो, मैं टोटल प्रोसेस में उस वीडियो में बताया हूँ। तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में ओनली यहाँ पे ISO फाइल को डाउनलोड करने के लिए बताया हूँ, और जो मैं यहाँ पे जो वे बताया हूँ, जो तरीका मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, न्यू तरीके से मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बताया हूँ। आपको किसी भी अननोन वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है किसी भी विंडोज़ को डाउनलोड करने के लिए। और गाइज, अगर आप अभी तक मेरे अगर सोशल मीडियाज़ को फॉलो नहीं किए, ज्वाइन नहीं किए, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले। आपको सभी का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।